चलिए दोस्तों इसको पेमेंट करते हैं। देखिए हमारा ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए हमारा सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। जब आपका हो जाएगा तो इसे दिखाएगा, ठीक, देखिए पूरा पूरा अपलोड हमारा हो चुका है। तो इस तरह ट्रिक लग जाएगा। अब व्यू पर क्लिक करके हम ऐसे इसको व्यू पर क्लिक करके हम जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए हमारा अब यहाँ से पेमेंट करने के लिए आ रहा है, तो हमने ऑनलाइन चुन लिया है और यहाँ पर भी ट्रिक कर देंगे। यहाँ पर ये सब जितना दिया है सब पर हम देखिए ट्रिक कर दिए हैं, आई एग्री पर ट्रिक कर देंगे, यहाँ पर भी ट्रिक कर देंगे, ठीक। तो देखिए इस पर हम ट्रिक कर देते हैं, उसके बाद से यहाँ से हम कैप्चर कोड भर लेंगे। तो चलिए कैप्चर कोड भर लेते हैं। सो हमने देखिए कैप्चर कोड भर लिया है, अब चलिए इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक। अब देखिए ऐसे कुछ आ रहा है, अब इसको हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अब देखिए इसमें पेमेंट करने का जो आपका ऑप्शन आ रहा है, देखिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो कार्ड नंबर मांग रहा है, तो चलिए कार्ड नंबर। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट्स और नीड्स के ये सभी SBI ब्रांच पेमेंट इस तरह से ये सभी दिया जितने भी ऑप्शन इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम कार्ड से करते हैं, ठीक। कार्ड से करने के लिए एक यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही कार्ड पे, इस पर क्लिक है। अब यहाँ पर कार्ड नंबर भरेंगे, उसके बाद से मंथ में इसमें जो डेट दिया रहेगा, उसके बाद ईयर एक्सपायरी डेट, उसके पीछे CVV नंबर 3 अंक का दिया रहता है, यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद से CVV भरने के बाद से नेम अपना भर देंगे, क्लिक करेंगे और पे पर नाउ पर क्लिक करेंगे।